सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू G7 असिस्ट चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या शेल फायर ये जो हमारा गेम है ऑफलाइन में वर्क करेगा कि नहीं। तो चेक कर लेते हैं। यहाँ पर मैं अपना मोबाइल डाटा ऑफ कर देता हूँ, वाईफाई भी ऑफ है और मैं ऑफलाइन हो चुका हूँ। अब हम हमारे गेम को ओपन करते हैं। तो अगर मैं इस गेम की बात करूँ तो यहाँ पर आपको ओपन करते से ही पता चल गया होगा कि ये एक ऑनलाइन गेम है, इधर आप पढ़ लेना। बट चलो गेम प्ले मैं आपको दिखाऊंगा। तो मोबाइल डाटा ऑन कर लेता हूँ, रीटायर पर क्लिक करता हूँ। एंड अब बात करें इस गेम के साइज़ की, तो वो आपको 500 या 600 MB, जो प्ले स्टोर पर साइज़ है ना, वही साइज़ है। ओपन करने पे सिर्फ 2-3 MB का अपडेट मांगता है, अदरवाइज़ और कुछ नहीं मांगता है। यहाँ पर मैं स्टार्ट पर क्लिक करता हूँ एंड आपको दिखा देता हूँ। तो ये जो है ना, बेसिकली एक फर्स्ट पर्सन शूटर गेम है। एंड गेम प्ले तो मतलब ऐसा बोल सकते हो कि थोड़ा वेलोरेंट से इंस्पायर्ड है। मतलब अलग अलग जो हमारे ये कैरेक्टर्स हैं ना, उनके पास अलग अलग बहुत सारी पावर, स्किल्स, ये सब बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि वेलोरेंट में होती है। एंड हाँ, यहाँ इंडोनेशिया आप बोलना मत कि मैंने इंडोनेशिया का लगाया, क्योंकि है ना इंडिया कंट्री का ऑप्शन नहीं था। इंडोनेशिया नहीं यार, ये सिंगापुर है शायद, अरे पता नहीं मुझे कौन सी कंट्री है, देखनी पड़ेगी। तो उस चीज़ की आप टेंशन मत लेना, क्योंकि है ना मैंने बहुत ट्राई करा पर वहाँ पर नहीं था कंट्रीज़ का या फ्रेम, ये सब है। एंड उसके बाद में इस तरफ में सेटिंग का ऑप्शन है, और आप समझ ही सकते हैं सारी सेटिंग आपको देखने को मिलेगी। एंड लगभग मुझे मैंने जितनी भी चीज़ें हैं यहाँ पर हाई पर ही रखी है। ये कंट्रोल है, बटन्स को आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। उसके बाद में साउंड का है, वीडियो का है, लैंग्वेज है एंड गिफ्ट कोड भी है। वो शायद इंडोनेशिया ही होगा कंट्री का फ्लैग, लैंग्वेज में इंडोनेशियन लैंग्वेज भी शायद, आई थिंक इंडोनेशिया का गेम है कि नहीं ये नहीं पता है मुझे। उसके बाद में जो है यहाँ पर और आपको क्या देखने को मिलेगा, तो रैंक मोड है गेम में जो कि मेरा ऑफ है। जोम्बी मोड भी अभी अनलॉक नहीं है। एंड आइलैंड का जो है ये शायद अनलॉक होगा कि नहीं, नहीं ये भी अनलॉक नहीं। क्विक मैच में जाएंगे ना तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको कस्टम मैच का फीचर भी देखने को मिलेगा। AI गेम तो है, इसी सोलो का भी है, ट्रायल मोड भी है। एंड यहाँ पर क्विक बैटल में अगर मैं बात करूँ तो आपको मतलब मुझे ना दो तरीके से दिखा था। एक तो दिखा था अपना क्या बोलते हैं कैप्चर फ्लैग वाला देखा था मैंने, एंड एक आई थिंक ऐसे नॉर्मल पॉइंट्स बनाने वाला था, मुझे अच्छे से याद नहीं है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी हमारे प्लेयर्स जो है रेडी हो रहे हैं, तो हम वेट कर लेते हैं। ऐसे मेरे हिसाब से तो यहाँ पर ज़्यादातर आपको इंडोनेशियन प्लेयर्स ही देखने को मिलेंगे, और वीडियो के भी इंडोनेशियन वीडियो प्लेयर्स ही ज़्यादा देखेंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, अरे यार अपन ने बेफालतू का टाइम लगा दिया है ना। तो अपन ने तो कर लिया है सिलेक्ट। अब चलो मैच हमारा स्टार्ट होगा। सबका 80, अपन सबसे आगे चल रहे हैं अभी, 90-100 अपना हो भी गया है, उन लोगों का भी हो चुका है। एंड यहाँ कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ऑटो फायर का फीचर भी था इस गेम में, मुझे याद है। हाँ ये ऊपर में ऑटो फायर का ऑन कर लेते अपन, तो शूटिंग का बचेगा अपना। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, मतलब मैंने बोला ना वेलोरेंट की थोड़ी थोड़ी सी कॉपी आप इस गेम को बोलेंगे। ऐसे लाइट वेट गेम है, क्योंकि जो इसकी ग्राफिक्स है ना उतनी लाइटनिंग के हिसाब से नहीं रखी है। जो इसकी ग्राफिक्स है थोड़ी स्मूथनेस टाइप में है, रियलिस्टिक टाइप का नहीं है, स्मूथनेस आप टाइप में बोल सकते हैं। बट स्टिल अच्छी ग्राफिक्स है, यहाँ पर थोड़ी सी आप देख ही सकते हैं डिटेलिंग जो भी है गेम में। लाइटनिंग सिर्फ हमारी गन पर है। ओ पीछे से मार दिया क्या, एक मिनट, कोई आ गया है अपना मारने के लिए अपने को। तो अपना ऑटो फायर तो ऑन है ना, अब होगा ऑटो फायर ऑन। अरे यार मैं ध्यान नहीं गया था, मैंने ऑटो फायर भी था हटा दिया उसको। हाँ ऐसे गया, अब एक किल तो हो गया। ऐसे अभी शुरू शुरू में प्लेयर्स का मैं कह नहीं सकता हूँ कि अपना क्या बोलते हैं प्लेयर्स मजबूत आ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि आप तो यहाँ पर देख ही सकते हैं इतनी देर में तो 4 बार मार देना चाहिए था मुझे। बट अभी मतलब प्लेयर से शायद शुरू शुरू के मैच है ना, तो इसकी वजह से अभी नॉर्मल प्लेयर्स ही आ रहे हैं, तो बोर्ड्स आप बोलेंगे इसको। तो बाकी देखते हैं रियल प्लेयर्स का है कि नहीं। अगर आप रेस के रेगुलर प्लेयर हैं या आपने इसको खेला है तो आपको नॉलेज हो तो शेयर कर देना कमेंट में, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मतलब पसंद नहीं आता है बोर्ड्स के साथ खेलना। बाकी आपने इस वीडियो को पूरा देखा उसके लिए भी थैंक यू।